हे गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम हमारे डॉग को हेल्दी कैसे बना सकते हैं, हम हमारी डॉग की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सभी डॉग लवर्स के अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होती है कि उनका डॉग सबसे अलग लगे, उनका डॉग सबसे हेल्दी हो और आसपास जितने भी डॉग हो उन सबसे हटके लगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे डॉग की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जिस तरीके से लॉकडाउन को इंडिया के अंदर बढ़ाया गया है, ये काफ़ी ही चिंताजनक है, क्योंकि अभी हम जिस स्टेज में हैं, हम नहीं चाहते कि कम्युनल स्प्रेड हो हमारे इंडिया में, वो भी बहुत ही हाई अमाउंट के अंदर। सो प्लीज़ आप घर पे ही रहें और अपने आप को और अपने आस पड़ोस सभी को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें जो पेट लवर्स हैं, वो एक तरीके से उनके लिए एक बेनिफिट है, और वो बेनिफिट है कि वो अपने डॉग के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, प्लस अगर वो चाहें तो उनकी जो ग्रूमिंग होती है उस पर भी काफ़ी ही हद तक ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि बिजी स्केड्यूल की वजह से हम उन पर पहले ध्यान नहीं दे पाते थे, और आज जबकि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम उनके साथ स्पेंड होता है तो ये उन्हें भी काफ़ी पसंद है ये चीज़, और हमें भी बहुत ही अच्छा फील होता है कि हम हमारे पेट के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर हमारे डॉग की हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आज दोस्तों, ये वीडियो मैंने कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, कुछ पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है, वन बाय वन करके हम सभी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये आप सबको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा और जो आपके डॉग की हेल्थ है वो काफ़ी ही इम्प्रूव होगी इन चीज़ों से। तो पहले हम देखते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे डॉग की हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है, वो उसे पॉजिटिव भी बना सकती है, वो उसे नेगेटिव भी बना सकती है। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है जेनेटिक्स ऑफ ब्रीड। दोस्तों, ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो डॉग की हेल्थ होती है वो 70% इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि हमारे डॉग के जेनेटिक्स कैसे हैं, उसके मदर फादर के जेनेटिक्स कैसे हैं। दोस्तों, जब ह्यूमंस के भी बेबी होता है तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि सभी ये चीज़ बोलते हैं कि इसकी जो नाक है वो पापा पे गई है, इसकी आंखें मम्मी पे गई है, या किसी भी तरीके का कुछ ऐसा लिंक जोड़ने की कोशिश करते हैं कि वो ये जता सकें कि आपका जो बेटा है या जो बेटी है वो आप पे ही गया है। सेम यही चीज़ दोस्तों डॉग्स के अंदर भी अप्लाई होती है। वो डॉग कैसा बनेगा, वो पपी बड़ा होके कैसा बनेगा, वो डिपेंड होता है उसके मदर फादर के कैरेक्टर्स पे और उस मदर फादर के जेनेटिक्स पे। तो दोस्तों, अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आपका डॉग बड़ा होकर कैसा बनेगा, तो सबसे पहले आपको उसके मदर फादर को देखना चाहिए। वो उनसे ऊपर नहीं जा सकता, वो उनसे बिलो भी नहीं जा सकता। हो सकता है कि अगर गलत ब्रीडिंग की वजह से उनसे बिलो चला जाए, बट उनसे ज़्यादा हैवी नहीं बन सकता, वो अपने मदर फादर पे ही जाएगा, क्योंकि जेनेटिक्स साइंस को हम किसी भी वे में चैलेंज नहीं कर सकते। जो यूट्यूब पे वीडियोस दिखाए जा रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि आप अपने डॉग को ये चीज़ खिला दीजिए, ये बहुत ही नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है, इससे आपकी जो डॉग की हेल्थ है वो अपने मदर फादर से भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, तो दोस्तों, साइंटिफिकली इस चीज़ को आप प्रूव नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। डॉग अपने मदर फादर पे ही जाएगा। इसी वजह से सभी लोग आपको ये कहते हैं कि आप सबसे पहले डॉग लेने से पहले उसके मदर फादर को भी देखिए, लाइव देखिए, आप किसी पे भी भरोसा ना करें। तो दोस्तों, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट कि हमारे जो डॉग की हेल्थ है वो 70% डिपेंड होती है हमारे जो डॉग के मदर फादर हैं उन पे। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको इम्प्रूव करने का कोई भी तरीका नहीं है, जो नेचुरल वे में वो प्रोड्यूस हो चुका उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे सेकंड पॉइंट है वो आता है डॉग का फूड। इस पॉइंट के अंदर दोस्तों हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हम हमारे डॉग को क्या खिला रहे हैं, और जो डॉग्स हैं वो हमें पता होना चाहिए वो ओमनीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं या हर्बीवोर्स हैं। आखिर वो कौन सी प्रजाति है, वो किसके अंडर फॉल करते हैं, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि उसी वजह से डिसाइड होगा कि इनको किस तरीके का फूड रिक्वायर्ड होता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी लेकर बताना चाहूँगा कि डॉग्स एक कार्निवोर्स एनिमल है, इनको वुल्फ का ही एक सक्सेसर माना जाता है, इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो वुल्फ को माना जाता है, लोगों ने वुल्फ पाले थे, उसके बाद में कन्वर्ट होते होते ये अपने एक डॉग के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पे बात आती है कि आखिर डॉग फूड कैसे अफेक्ट करता है, कि आप सभी को ये चीज़ पता होगी, जब आप बाजार के अंदर फूड लेने जाते हैं तो आपको एक चीज़ बताई जाती है
कि जो हमारा डॉग है, ये जो पर्टिकुलर फीड है जिस कंपनी का है, उसके अंदर 23% प्रोटीन है, उसके अंदर 33% प्रोटीन है, उसके अंदर इतना प्रोटीन है। तो ये चीज़ तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी है कि हमारे डॉग को अगर ग्रो करना है तो उसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के अंदर भी सेम ही होता है। जब हम जिम ज्वाइन करते हैं तो हमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दी जाती है, और अगर हम सप्लीमेंट्स नहीं लेते तो वो हमें बोलते हैं कि आप एक नेचुरल वे के अंदर प्रोटीन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि प्रोटीन ही ऐसी चीज़ होती है जो हमारी मसल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और सिर्फ प्रोटीन ही हमारी मसल्स को डेवलप करती हैं। सेम यही चीज़ दोस्तों डॉग्स के अंदर अप्लाई होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर जो डॉग फूड्स आते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन होता है क्या वो नेचुरल है या क्या वो सिंथेटिक होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक कॉन्फ्लिक्ट वाला टॉपिक है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको ज़रूर बना के दूंगा कि डॉग फूड अच्छा होता है या फिर होम फूड अच्छा होता है। अगर हम डॉग फूड की तरफ जाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके प्रोज हैं, क्या उसके कौनस हैं, और सेम चीज़ में हम बात करेंगे दोस्तों होम फूड के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म कर लेनी चाहिए कि जो आपका डॉग फूड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डॉग की हेल्थ में। अगर आप उसे एक प्रोटीन रिच डाइट देंगे तो वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा बनेगा। ये आपकी डॉग की जो हेल्थ है उसको 10% तक इंक्रीज़ कर देगा। 70+10 हो गए टोटल 80%। जो आपकी डॉग की हेल्थ है उसको मैंने 100% माना है, प्लस उसका जो ब्रेकडाउन किया है 100% का, वो इन बेसिस पे किया है कि आखिर कौन से वो फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बिल्कुल ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना अच्छा फूड दे सकें अपने डॉग को उसकी ग्रोइंग स्टेज में, वो डेफिनेटली आप उसे दें, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में अगर जो आपने मेहनत कर ली वो आपको 1 साल 1.5 साल बाद में बिल्कुल डेफिनेटली नज़र आएगी, और उस टाइम पे आपको काफ़ी खुशी भी होगी कि आपने एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने डॉग की डाइट मेंटेन करने की वजह से उसे काफ़ी अच्छा हेल्दी डॉग बना दिया है। अब बात करें दोस्तों हमारे थर्ड पॉइंट की, तो दोस्तों वो है हमारे डॉग की एक्सरसाइज। एक रूटीन बेसिस पे हमें हमारे डॉग को एक्सरसाइज करवानी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप बात करें मसल डेवलपमेंट की, तो मैं आपको साइंटिफिकली इस चीज़ को समझा देता हूँ। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे ह्यूमंस का। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो लोग जिम जाते हैं, जो प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर दिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी स्ट्रॉन्ग बिल्ट दिखती है उनकी। तो वो इसका रीज़न क्या होता है दोस्तों, जब वो जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया की एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ के डंबल उठाने की वजह से, वेट उठाने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टियर हो जाती है उनके उस पर्टिकुलर मसल के टिश्यूज़, वो फटने लग जाते हैं, और उसके रिपेयर करने के लिए हम बाहर से प्रोटीन प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि प्रोटीन बनाती है हमारी मसल्स को। तो इससे होता क्या है, जो प्रोटीन है वो हमारी मसल्स के अंदर जाता है और उसे वापस रिक्रिएट करके एक काफ़ी अच्छे हैवी फॉर्म में लेयर बाय लेयर उसके अंदर बढ़ाने लग जाता है, और वो हमें काफ़ी मस्कुलर नज़र आते हैं। सेम दोस्तों हमारे डॉग्स के अंदर भी होता है। पहली चीज़ जेनेटिक्स पे गया डॉग 70%, सेकंड चीज़ उसने हमने प्रोटीन भी खिला दिया। प्रोटीन खिलाने का दोस्तों आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उसको एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे ह्यूमंस की, तो आप चाहे 5,000 रुपये का भी प्रोटीन ले लें, वो भी आपके कोई काम का नहीं है, अगर आपकी जो टिश्यूज़ हैं वो ब्रेकडाउन नहीं हुए, आपके टिश्यूज़ जो हैं उन्होंने वर्कआउट नहीं किया। इस वजह से दोस्तों आप महंगे से महंगा फूड खिला दीजिए अपने डॉग को, वो बिल्कुल भी अच्छे से ग्रोथ नहीं दे पाएगा। वो उससे फैट गेन कर लेगा, बट वो जो मसल्स होती हैं जो उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं, वो उससे गेन नहीं कर पाएगा। जब तक वो मसल्स ब्रेक नहीं होंगी, वो नई मसल्स को वहाँ पे डेवलप नहीं करेगा, वो लेयर बाय लेयर मसल्स को बढ़ाना शुरू नहीं करेगा। और इसका सिंपल एक ही तरीका है, और वो है एक्सरसाइज। आपके पास और कोई भी तरीका नहीं है अगर आप अपने डॉग को मस्कुलर और हेल्दी बनाना चाहते हैं। मोटा दिखना दोस्तों यहाँ पे हेल्दी नहीं होता। आपका जो डॉग होता है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो उसके शोल्डर्स से लेकर उसकी बैक तक स्ट्रेट होना चाहिए। अगर वो यूं किसी भी तरीके से बीच में पेट की एरिया में फूल रहा है, तो आपका डॉग ओबेसी की कैटेगरी में आता है, आपका डॉग हेल्दी नहीं है। जितना डॉग लीन होगा उतना ही डॉग हेल्दी होता है, वो उतनी ही फास्ट एक्टिविटीज़ कर सकता है। आपने बहुत से लेब्रास देखे होंगे जो काफ़ी ही थिन लगते हैं, बट उनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है उन डॉग्स के मुकाबले जो काफ़ी ओबेसी होते हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि आपका डॉग फैट गेन ना करे, वो एक हेल्दी प्रोटीन लेता है तो वो उसके बॉडी जो बहुत ही अच्छी ग्रो करेगी।
तो दोस्तों ये जो पॉइंट था वो हमारा जो 10% था उसको कवर करता है। अब हो गए टोटल 90% की 90% आपकी जो डॉग की ग्रोथ है वो कंप्लीट हो चुकी है अगर आप इन चीज़ों को नोटिस करते हैं, इन चीज़ों पे वर्कआउट करते हैं। तो अब दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो कि है मेंटल हेल्थ ऑफ डॉग। दोस्तों हम इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, हमें ये लगता है कि अगर हम हमारे डॉग को रॉयल कैनाइन खिला रहे हैं, उसे एक वॉक देने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा डॉग अब डेफिनेटली ग्रो करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और मैं यहाँ पे बार बार ह्यूमंस के साथ में डॉग्स को रिलेट इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि साइंस का ये मानना है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है और जो डॉग बिहेवियर है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो काफ़ी कुछ सिमिलर हैं। और अगर हम बात करें डॉग की हेल्थ की और ह्यूमंस की हेल्थ की तो वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखते हैं। और इसी वजह से दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो आपके पेट शॉप ओनर्स होते हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको डॉग की पर्टिकुलर दवाई आपके एरिया में नहीं मिल रही है तो आप उसे ह्यूमंस की भी दवाई दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करूँ तो मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा हिमालय की लीफ 52 का, ये एक लीवर टॉनिक है। और दोस्तों इस चीज़ को मैं आपको बताने से पहले ये चीज़ बता दूँ कि मैं कोई भी सर्टिफाइड वेटनरी डॉक्टर नहीं हूँ या फिर मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ। ये जो मैंने आपको बताई है ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है। आप प्लीज़ अपने वेटनरी डॉक्टर से बिना पूछे किसी भी मेडिसिन का प्रयोग अपने डॉग के ऊपर ना करें। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ क्योंकि जो मेरे वेटनरी डॉक्टर हैं वो मुझे मेरे डॉग के लिए यही चीज़ सजेस्ट करी थी उन्होंने, और उन्होंने मुझे काफ़ी ही डीपली उस चीज़ के बारे में समझाया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें लीव 52 की तो ये ह्यूमंस प्लस डॉग्स दोनों के लिए अवेलेबल होती है, और कभी कभी अगर ये डॉग्स की अवेलेबल ना हो तो हम ह्यूमंस वाली भी डॉग्स को देते हैं। और ऐसी एक ही नहीं दोस्तों, काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो डॉग्स प्लस ह्यूमन दोनों पे ही काफ़ी इफेक्टिवली वर्क करती हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि आप जो डॉग के लिए कर रहे हैं उसको आप ह्यूमन से डेफिनेटली कंपेयर करके देखें कि उसका ह्यूमन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने डॉग को कम्प्लीटली पूरे दिन भर के लिए बंद रखते हैं और अचानक उसे सुबह या शाम को वॉक करके वापस ला के उसे एक पिंजरे में बंद रखते हैं या फिर अपने घर से बाहर रखते हैं, तो उससे उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है, उस पर मेंटल लोड पड़ता है। मेंटल प्रेशर के कारण वो अपनी जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल हैप्पीनेस ना होने की वजह से वो उतनी ग्रो नहीं कर पाते। जो 10% ग्रोथ होती है हमारे डॉग की वो मेंटली स्ट्रेस के कारण दब जाती है, जो कि हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमारे डॉग भी एक मेंटली सोचने वाला प्राणी है, उसे भी मेंटल हेल्थ की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें हमारी जो हालत है आज के समय लॉकडाउन के अंदर, वो सेम वही हालत है जो हमारे डॉग्स फील करते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों का जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है वो एक ही पेस पे है, वो एक ही पोजीशन पे है, वो एट पार आप मान सकते हैं उसे, क्योंकि आज हमें भी पता है इस चीज़ को हम भी फील कर सकते हैं कि इस लॉकडाउन के अंदर बैठे बैठे हम कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। हमें बाहर जाने की जो मैं बोलूँ आपको अर्जेस आ रही हैं कि हम बाहर जाएं, हम घूमें, हम हमारे दोस्तों से मिलें, हम हमारे जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास जाएं, हम हमारे डॉग को बाहर वॉक पे लेके जाएं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करने का मन करता है। तो दोस्तों सेम ऐसे ही आपके जो डॉग होते हैं उनका भी मन करता है कि वो भी अपने परिवार के साथ घुले मिलें, वो भी अपने परिवार का एक सदस्य बने, वो भी अपने एक परिवार का हिस्सा बन करें। आप उन्हें एज ए डॉग ट्रीट करना बंद कीजिए, आप उन्हें एज ए ह्यूमन ही ट्रीट करें। तो दोस्तों अगर मैं एक फैक्ट की बात करूं तो जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डॉग्स के ऊपर रिसर्च करती हैं, उनकी एक कॉमन फैक्ट निकल के सामने आया, उनकी एक कॉमन रिसर्च का जो रिज़ल्ट है वो ये था दोस्तों कि जो हमारा डॉग है वो मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि जो हमारा परिवार है अगर वो चाहे 4 जनों का हो चाहे वो 5 जनों का हो, तो वो उस डॉग का कंप्लीट एक फैमिली ही मानेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डॉग्स हैं वो वुल्फ के ही सक्सेसर हैं, वो वुल्फ थे पहले और बाद में डॉग्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा साइंस कहती है। तो दोस्तों अगर हम वुल्फ को देखें तो आज भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि वुल्फ को पैक्स के अंदर रहने की आदत होती है, उनको एक लीडर को फॉलो करने की आदत होती है। सेम यही चीज़ हमारे डॉग के लिए अप्लाई होती है। तो प्लीज़
अगर आप ध्यान रखते हैं डॉग्स की जेनेटिक्स का, आप ध्यान रखते हैं डॉग के फूड का, और आप ध्यान रखते हैं डॉग की एक रेगुलर एक्सरसाइज का, तो आप उतना ही ध्यान दें उसकी जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में। और सोशलाइजेशन पे भी दोस्तों मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के दूंगा कि हम हमारे डॉग को सोशलाइज कैसे करें, सोशलाइजेशन के बेनिफिट क्या होते हैं और आखिर सोशलाइजेशन होती क्या है। तो दोस्तों सोशलाइज करना भी एक मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का कारण होता है, उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों अगर आप एक मेंटली हेल्दी डॉग को एक डॉग फूड देते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव काम करते हैं उस डॉग की बॉडी पे। ये भी मैं आपको एक रिसर्च का ही फैक्ट बता रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये जो चार पॉइंट्स मैंने आज डिस्कस किए हैं ये ही एक इकलौता कारण है जो आपकी डॉग की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे डॉग की हाइट कैसे बढ़ा दें, डॉग की जो बॉडी वेट है वो कैसे बढ़ा दें, आप उसके अंदर फैट गेन करने की कोशिश ना करें। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जो डॉग के शोल्डर होते हैं वहाँ से लेकर एक बहुत ही ब्रॉड वी बनता है, उसकी जो टेल होती है वहाँ तक का उसका चेस्ट हमेशा ब्रॉड होगा और टेल तक जाते जाते वो हल्का सा श्रिंक होता है। उसके जो टमी एरिया है उसमें किसी भी तरीके का उभार नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई आउटिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी एरिया में। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि मेरे वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगते होंगे, बट दोस्तों अगर आपको अपने डॉग को बेहतर ढंग से समझना है तो आपको ये बोरिंग चीज़ें डेफिनेटली सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो कि हमें एक एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि नॉलेज प्रोवाइड करवाती है। और इसी नॉलेज के अभाव के कारण, हमारे एक हल्के से पेशेंस के कारण कि हम इस वीडियो को कंप्लीट क्यों देखें, कितना बोर कर रहा है, इसकी वजह से जो हम हमारे के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने बैठते हैं उसमें उसको भी प्रॉब्लम होती है, उसको हमें भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे इस चैनल के ऊपर मैं आपको हमेशा से साइंटिफिकली ही एक अप्रोच और एक लॉजिकल अप्रोच देने की कोशिश करता हूँ किसी भी चीज़ के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नीचे बेल का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आते रहें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।